हेलो एवरीवन मेरा नाम रोशन कुमार है मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 में एक सौ रैंक प्राप्त किया और मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज अलाउट हुआ है वर्किंग परफॉर्म मेरे लिए भी आसान नहीं था मैंने फिफ्थ अटैम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया पहले दो अटैम्प्ट 2014 और 2015 में मैं फिल्म में फेल हो गया 2016 और 2017 में मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया 2018 में मैं फाइनली तीनों ओर क्लियर कर पाया आई गॉट द रैंक इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लाखों लोग तैयारी करते हैं अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो माई बेस्ट विशेष कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें इन केस, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते और अगर आप अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार रहें तो ट्रस्ट में ये सारा नॉलेज आपको बहुत काम आने वाला है वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप कितना भी पढ़ने के बाद आपको कभी ये हमेशा ये लगेगा कि आपका सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हुआ है खासकर वर्किंग प्रोफेशनल जो क्लासरूम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और जिनका एक फिक्स टाइम लाइन नहीं है उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दे डोंट गेट दैट फीलिंग कि हाँ मैंने अब कम्प्लीट कर लेना है और आई शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्योंकि बहुत क्रूसियल है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा सो दैट आप पेपर टाइम पर कंप्लीट कर पाएँ और यू कैन क्लियर द मीन फेल होना गलत नहीं है बट बेटर फेल होना यू शुड फेल बेटर और वो आपको पुश करेगा क्योंकि आपके पास हमेशा एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ़ पॉइंट्स होगा कि ये चीज़ें आपने गलती की और ये खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई से कभी संतुष्ट नहीं होते उनको लगता है कि वो पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाए तो उनको मतलब हमेशा पता होता है कि होता है या पता करना आसान है कि आप क्यों फ़ेल हुए हेलो एवरीवन मेरा नाम रोशन कुमार है मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 में एक सौ रैंक प्राप्त किया और मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज अलाउट हुआ है मैं आज आपसे अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल मैंने कैसे तैयारी की इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2010 से लेकर दो तक मैं लगातार जॉब में था जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड में वॉज वर्किंग एज अ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर सो बींग अ वर्किंग प्रोफेशनल ये जर्नी ऑलरेडी uh, बहुत डिमांडिंग है तो वर्किंग प्रोफेशनल होने की वजह से ये थोड़ी और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है लेकिन ये आप कर सकते हैं सो so, आज मैं कुछ पॉइंटर्स आपसे डिस्कस करूँगा जो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको माइंड में रखना चाहिए और उससे शायद आपकी जर्नी थोड़ी आसान और एक आप भरोसा आपके अंदर जग हो सकता है कि नहीं आप ये कर सकते हैं और फाइनली जर्नी जो होगी वो बहुत रिवार्डिंग होगी मे बी थोड़ी डिमांडिंग होगी बट इट विल बी रिवार्डिंग ट्रस्ट में सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते आपको ये भरोसा करना मुश्किल होता है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी फुल टाइम जॉब के साथ कर सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होता है कि लाखों लोग हैं जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ फुल टाइम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको वन मतलब बेस्ट ऑफ द माइंड्स के साथ कम्पीट करना है तो सबसे पहले ये भरोसा करना ही मुश्किल होता है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था मुझे काफ़ी वक्त लग गया है ये भरोसा करने में कि मैं जॉब के साथ ही तैयारी कर सकता हूँ और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ तो ये बड़ा एक मुश्किल सा समय होता है तो सबसे पहले आप यकीन मानिए कि आप ये कर सकते हैं और थोड़ा मुश्किल होगा थोड़ा नहीं शायद बहुत मुश्किल हो बट ये किया जा सकता है अगर आपके पास कोई और चॉइस नहीं हो हर आप सबको पता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं तो सबके पास ये मौका नहीं होता है कि आप जॉब छोड़ के फुल टाइम तैयारी कर सके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके hmm. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहली बात है कि इंटीग्रेट योर प्रिपरेशन विथ योर लाइफ स्टाइल तो आपका जो मतलब लाइफ स्टाइल है उसको आपको अपने प्रिपरेशन के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये थोड़ा इसमें वक्त लगता है लेकिन धीरे धीरे आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाए कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप तैयारी कुछ अलग से कर रहे हैं आपके डेली रूटीन का हिस्सा हो जाएगा तैयारी Uh, जैसे आपका क्या वर्क पैट शेड्यूल uh, है आप uh, मतलब जनरल शिफ्ट है डे टाइम वर्किंग आवर है या शिफ्ट में काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सारा रूटीन सेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं किस टाइम पे आप पढ़ना आपको सूट करता है किस टाइम पे आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं तो वो सारा कुछ आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा सो दैट आप मतलब अनकम्फर्टेबल नहीं महसूस करें और धीरे धीरे आपको आदत हो जाए कि पढ़ाई भी आपके काम का ही एक तरह से हिस्सा है आपको उसके लिए कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है आप अपना काम कर रहे हैं साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ये होती है जब आपको एक बार भरोसा हो गया कि आप कर सकते हैं और करना ही है और आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है ये फैसला कर लिया कि आपको तैयारी करनी है तो आपको इस बात की प्राइवेसी और सिक्रेसी मेंटेन करनी है यो टू तो मेंटेन सिक्रेसी ऑफ योर यू प्लान्स होता है क्या है कि आप सबको पता है यूपीएससी और ख़ासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओवर हाइप है इसके अराउंड एक बहुत एक हाइप सोशल हाइप क्रिएट होता है कि अच्छा आप यूपीएससी की तैयारी कर जैसे किसी को आप बताएंगे तो एक अलग तरह का आपके इर्द गिर्द माहौल बन जाता है और एग्जाम अपने आप में ये बहुत डिमांडिंग है और काफ़ी मतलब इसमें प्रेशर होता है तो ये प्रेशर कम नहीं है कि आप लोगों को बता के लोगों का एक सोशल एक्सपेक्टेशंस का भार अपने ऊपर डाल लें और अपना प्रेशर और बढ़ा लें तो एक अनेसरी अपने इर्द गिर्द एक हाइप क्रिएट करने से बचना चाहते हैं तो आप प्लीज़ किसी से डिस्कस नहीं करें अननेसर टिल वो आपका बहुत मतलब भरोसेमंद आदमी हो और आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वो प्लान अपने तक रखेगा या फिर उसका आपकी तैयारी में कोई अहम योगदान है अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज किसी से डिस्कस नहीं करें कि आप तैयारी कर रहे हैं आप इसकी सिक्रेसी को मेंटेन करें तीसरी बात है कि हैव फ्लेक्सीबल अप्रोच चूंकि आप फुल टाइम वर्क कर रहे हैं तो आप एक फिक्स रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं आपको पता नहीं होगा कि आपके वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग किसी दिन आपको हो सकता है आठ घंटे की ड्यूटी हो सकता है किसी दिन बारह घंटे की ड्यूटी हो बहुत सारे मतलब इमरजेंसीज आ सकते हैं आपके काम के दौरान जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़े तो आप मतलब एकदम रिजिड नहीं हो सकते हैं कि आज मुझे आठ घंटा ही पढ़ना है या चार घंटा ही पढ़ना है पाँच घंटा ही पढ़ना है आपको मोर फ्लेक्सीबल टारगेट्स और फ्लेक्सीबल अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि आपका टारगेट होना चाहिए हाँ एक हफ्ते में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा तो हो सकता है चलो आज अगर आप ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए तो उसको किसी ना किसी तरह अगले दिन मैनेज कर लेंगे या फिर ज्यादा पढ़ के तो मतलब एकदम एकदम रिजिड अप्रोच की नहीं ये मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया इतने घंटे में नहीं पढ़ पाया तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूं तो इस बात के लिए तैयार रहे कि थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सीबल होना पड़ेगा चौथी बात होती है स्टिल गोल्डन आवर्स जो आप काम कर रहे हैं और काम भी डिमांडिंग है और तैयारी भी तो आपको एक एकदम पीसफुल स्लॉट जो होता है कि हाँ मुझे चार घंटे एकदम शांति से बैठ के पढ़ना है तभी मैं पढ़ पाऊँगा ऐसा नहीं चलेगा आपको टाइम मिलेगा नहीं आपको टाइम चुराना पड़ेगा जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जनरली हर जगह लंच आवर होते हैं तो जनरली लंच आवर आधे एक घंटे या पैंतालीस मिनट जितने देर का भी होता है तो आपको ऐसा करना है कि वो लंच जो नॉर्मल लोगों के लिए एक घंटे का या पैंतालीस मिनट का होता है वो आपको पाँच या दस मिनट में ख़त्म करके बाकी टाइम आप पढ़ने में लगा सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा आपका एक हथियार होगा आपका फ़ोन उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप फोन में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं मॉक टेस्ट दे सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं नोट्स का रिव... मतलब ऑलमोस्ट तैयारी का मैक्सिमम हिस्सा फोन में राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा बाकी सब कुछ कर सकते हैं और ये आप कहीं भी कर सकते हैं आप हर जगह मतलब ड्यूटी आवर के दौरान आप बुक लेके नहीं जा सकते हैं कॉपी लेके नहीं जा सकते हैं लेकिन फोन आप हर जगह लेके जा सकते हैं और आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी आप फोन में क्या पढ़ रहे हैं कोई झांक के तो नहीं देख लेगा संभव है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए करने की जगह आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें और जहाँ मौका मिले जब मौका मिले वो कोई जगह नहीं वो कोई मीटिंग हो सकता है जहाँ आपका जरूरत नहीं है साइट पे, ट्रेनिंग में जहाँ आप के इंटरेस्ट का कुछ नहीं है या फिर ट्रेवल के दौरान या फिर कहीं भी जहां आपको मौका मिले आपको समय चुराना होगा और ट्रस्ट में ये जो आप गोल्डन आवर्स डेली आप एक घंटा ही अगर लंच में के दौरान चुरा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा आपका वर्क शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग लंच आवर तो इस लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी और इस मतलब शेड्यूल का जो फ़ायदा होगा ना उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं एक फोर्स्ड कंटिन्यूटी और फोर्स्ड रेगुलरिटी जो आपके पढ़ाई में हो आपको बहुत लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा फिफ्थ है बैलेंस योर वर्क परफॉर्मेंस देखिए आपको पता है कि आपका मतलब लॉन्ग टर्म प्लान यूपीएससी या सिविल सर्विसेज क्लियर करना है हो सकता है लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि काम में भी आपको आ, ध्यान देना है आप ऐसा एकदम अपने जो काम से रिलेटेड जिम्मेदारी उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते उससे आपके इर्द एक निगेटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि कहीं भी आप पे कोई जिम्मेदारी है तो आपके सुपीरियर्स जूनियर्स या सबऑर्डिनेट्स जो भी हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं कि अपना काम जिम्मेदारी से करें तो जो भी काम आपको दिया गया है वो काम आप ईमानदारी से कर लें उसको अपने तरीके से प्लान करके कम से कम समय में निपटाएँ और सबका सपोर्ट करें मतलब एक वर्क प्लेस में न्यूसेंस नहीं बनाना है सो दैट वो आपका सबके साथ रिलेशन अच्छा रहे क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्क प्लेस में पीसफुली काम कर पाए और इसके लिए ये भी बात होती है कि आप ये भी नहीं उम्मीद करें कि आप एक स्टार परफॉर्मर वर्क प्लेस में भी हो और आप यूपीएससी की तैयारी भी कर लें इस ये करने के लिए आपको मे बी दैट विल नीड सुपर ह्यूमन एफर्ट जो कि शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं तो हैव मतलब रीजनेबल वर्क परफॉर्मेंस जो काम आपको असाइन किया जाता है वो काम ईमानदारी से करिए बाकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मतलब इंथ्यूजस्टिक होकर अलग इनिशिएटिव लेना या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है जितना काम आपको अलॉट किया गया उसको ईमानदारी से करिए बाकी आप बैलेंस करके चलिए सिक्स पॉइंट होता है मैनेज योर सोशल ऑब्लिगेशंस जब आप काम करते हैं कहीं पे तो वहाँ पे वर्क करने के साथ साथ आपके बहुत लोगों से रिलेशंस भी होते हैं ऑफिस पार्टीज़ टूर्स ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो आपको वहाँ पे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा शुरू में कई बार आपको लोग पूछेंगे पार्टीज़ के लिए टूर्स के लिए बहुत लेकिन अगर कुछ दिन तक आप शुरू में लोगों को मना कर देंगे फिर एक टाइम आएगा कि कोई आपसे पूछेगा ही नहीं तो इस तरह से आपका इन सब चीज़ों में जो टाइम जा सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका बचेगा और ये जो सोशल ऑब्लिगेशन वर्क से रिलेटेड होता है उसको कीप दैट टू बेयर मिनिमम जहाँ एकदम जरूरी है एकदम ऑफिशियल चीज़ है उसी को अटेंड करें बाकी चीज़ों को आप इजिली स्किप कर सकते हैं और ये बहुत मुश्किल नहीं होगा शुरू में थोड़ा होगा बट धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी लोग भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे सेवेंथ है मैनेज रिलेशन विथ सुपीरियर्स जूनियर्स एंड कलीग्स वर्क प्लेस पर पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कई सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं काम कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो सुकून होना बहुत जरूरी है मेंटल पीस उसके लिए है कि आप सबके साथ अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करें जूनियर्स को सपोर्ट करें सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस को जितना फॉलो कर सकते हैं ईमानदारी से उतना फॉलो करें सो so दैट सबके साथ आपका एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ लोगों के साथ आपका एक हारमोनियस रिलेशन हो सो so दैट अगर आपको कल को छुट्टी लेनी हो आपको अगर कुछ अलग से टाइम निकालना हो तो उसके लिए लोग लो आपको बिना जाने कि आप ये क्यों कर रहे हैं आपको सपोर्ट करें ये बहुत जरूरी है उसके बाद है एटथ कि स्टे अवे फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स ये ह्यूमन नेचर होता है जहाँ लोग इकट्ठे होंगे थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क प्लेस पॉलिटिक्स गॉसिप्स ये सब होता है प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट आप का लॉन्ग टर्म या एंड गोल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों में टाइम या वक्त बर्बाद करें तो प्लीज ऑफिस वर्क प्लेस पॉलिटिक्स जो भी होता है गॉसिप्स उन सब से दूर रहें आप थोड़ा मुश्किल होगा बट धीरे धीरे आपको ये सब चीज इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा आप ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहे जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा नाइन्थ है कि हैव रिजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर जॉब इन टर्म्स ऑफ पे एंड पर्स देखिए आपको पता है कि आपका एंड गोल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो बहुत डिमांडिंग है तो कहीं ना कहीं आप कितना भी कोशिश करें आप अपना हंड्रेड परसेंट जॉब भी नहीं दे पाएंगे कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा आपको नए इनिशिएटिव्स लेना मतलब कई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना इन सब चीज़ों को एफोड नहीं कर सकते वर्क प्लेस में अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको मतलब ऐसा मतलब अनरिजनेबल एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होना चाहिए कि आपको रेटिंग बहुत अच्छा मिले आपको आउटस्टैंडिंग रेटिंग भी मिले आप सिविल सर्विस की तैयारी भी कर ले तो अगर इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागे कि आपको टाइम पर प्रमोशन नहीं मिला आपका प्रमोशन ड्यू था इंक्रीमेंट ड्यू था ये नहीं मिले तो इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा ना भागे जो मिल रहा है उसमें खुश रहें बी रीजनेबल आपको पता है कि आप अपना हंड्रेड परसेंट दे नहीं रहे हैं तो आप हंड्रेड परसेंट एक्सपेक्ट भी मत करिए ठीक है क्योंकि आपका एंड गोल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये जॉब एक आपको यूनिक अपॉर्चुनिटी है अपना पर्सनल ऑब्लीगेशन और एक जो ड्रीम्स है उसको बैलेंस करने का सो प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड टेंथ की रियलाइज योर यूनिक अपॉर्चुनिटीज एक वर्किंग प्रोफेशनल होना बहुत बड़ा चैलेंज है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है जो कि आप काम कर रहे हैं तो आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक यूनिक अनुभव है उस सेक्टर को समझने का या लोगों को बैलेंस करने का तो कहीं ना कहीं एक आपका एक जो पूरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस है और पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपका एक सोशल अवेयरनेस चेक करता है तो वो सोशल अवेयरनेस का एक हिस्सा जो बहुत अहम है वो आपको इस काम के थ्रू समझ में आता है आप लोगों को कैसे हैंडल करते हैं एथिकल इश्यूज कैसे हैंडल करते हैं टीम वर्क क्या होता है लीडरशिप क्या होता है ये सारी चीज़ें आपके लिए मतलब महज एक थियोरिटिकल डिफिनीसन नहीं रह जाएगा इस चीज़ों को आप डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं तो कहीं कही ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से आप में जो एक मैच्योरिटी और एक सोशल अवेयरनेस आएगा दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स स्पेशली इन मेन्स एंड इंटरव्यू तो आपके जो आंसर्स होंगे आपके जो एग्जाम्पल्स होंगे क्योंकि बहुत सारे मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप डे टू डे एक्सपीरियंसिस के एग्जाम्पल्स अगर उससे रिलेवेंट है तो आप लिख सकते हैं तो वो आपके आंसर्स को यूनिक बनाएगा तो में आपके आंसर्स खासकर जीएस पेपर फोर में और एस पेपर में आपके जो इनसाइट्स होंगे सिंस बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल वो बहुत आपके आंसर्स को यूनिक बनेंगे एंड मे बी दैट विल फेच यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स सिमिलरली इंटरव्यू में आपके पास एक टॉपिक होगा जिसपे आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे क्योंकि आपने उस प्रोफेशन को अच्छा खासा वक्त दिया है तो इंटरव्यू interview में इंटरव्यूअर्स के पास एक टॉपिक होगा जिस पर आपको ग्रिल कर सकते हैं एंड यू विल बी ऑल्सो कंफर्टेबल लाइक इन माय केस मैंने स्टील सेक्टर में साढ़े आठ साल काम किया और मेरा ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछा गया वो फोकस्ड अपॉन स्टील सेक्टर था तो मैं बहुत कंफर्टेबल था उन सारे सवालों का जवाब देने में क्योंकि मैंने उस सेक्टर को अपने जिंदगी के सारे आठ साल दिए तो उस टॉपिक पे या बात करने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ होगा और इंटरव्यूर्स को भी यू चीज़ कैच करे कि ये जो कैंडिडेट है वो इतने साल से इस सेक्टर में काम कर रहा है तो उनके पास भी आपको एक्सप्लोर करने के लिए आपको जानने के लिए नई चीज होगी तो कहीं ना कहीं ये आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगा और आपको आसानी से वो वक्त थोड़ा अच्छा कटेगा उसके बाद होता है कि बी एप्रीटिव ऑफ योर वर्क प्लेस एंड पीपल आपको कभी कभी वर्क डिमांड्स की वजह से कई बार फ्रस्ट्रेशन होगा लगेगा कि मुझे जो टाइम तैयारी में भी देना चाहिए वो मैं काम को दे रहा हूँ या फिर लोग मुझे उतना सपोर्ट जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे हैं लीव छुट्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से हो सकता है आपके दिमाग में कुछ निगेटिविटी आ जाए जॉब को लेकर अपने काम की जगह को लेकर या वहाँ के लोगों को लेकर बट कहीं ना कहीं आपको इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आप मतलब जहाँ काम कर रहे हैं जिस जगह से आपकी रोजी रोटी चल रही है जो जगह आपको एक काम दे रहा है उसको लेके आप क्रिटिकल नहीं हो सकते हैं वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क एंड वर्क प्लेस तो अगर ये गलती से भी आपके नेचर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए ना आपके आंसर जो लिख रहे हैं उसमें ना आप इंटरव्यू में जब बात कर रहे हैं तो उनको नहीं लगना चाहिए कि हाँ आप ऐसा अपने काम के बारे में या काम के जगह के बारे में सोचते हैं तो आप जो भी पॉजिटिव से उन पर फोकस करिए कि आपको अपने आप को फॉर्चुनेट फील करना चाहिए कि इस देश में जहाँ मतलब इतनी बेरोज़गारी है और लोगों को एक अच्छा जॉब मिलना बहुत मुश्किल है फील योर सेल्फ कि आपके पास एक जॉब है तो आप इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लेके इस चीज़ को अप्रिसिएट करें और खुश रहें इस चीज़ को ले कि आपके पास जॉब भी है आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और कहीं ना कहीं एक यूनिक मौका है कि आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एग्जाम की तैयारी इस जॉब के साथ भी हो सकती है और ट्रस्ट मी एंड में जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और बिल्कुल हो सकते हैं तो ये बहुत रिवार्डिंग होने वाला है तो हैव दैट ड्रीम कि एक दिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कितना एक अलग फीलिंग हो कि आपने बिना किसी के सपोर्ट के बिना एक पेरेंट्स के ऊपर बोझ होए हुए आपने सारी जिम्मेदारी उठा के इस एग्जाम को क्लियर किया तो दैट विल बी मतलब बेस्ट थिंग इन योर लाइफ सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क एंड वर्क प्लेस एंड सबसे बड़ी बात है डेवलप थिक स्किन ये बहुत जरूरी है आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन कुछ लोग होंगे जो आपको मे uh, बी सामने में या पीछे में क्रिटिसाइज करेंगे या दे विल ट्राई टू तो पुल यू डाउन तो आप कहीं कही ना कहीं आपको धीरे धीरे एक दिन में नहीं होगा थोड़ा वक्त लगेगा बट डेवलप थिक स्किन आपको ज़्यादा क्रिटिसिज्म को दिल पे नहीं लेना है और कोई कभी प्रेज कभी अप्रिसिएसन मिले तो उसको दि, दिमाग में नहीं चढ़ाना है वो कहते हैं ना इक्वेनिमिटी मीन्स ट्राई टू बी रीजनेबल और मोर अप्रिसिएटिव ऑफ ऑल द थिंग्स जो पॉजिटिव और निगेटिव्स हैं तो वो जो आप थिक स्किन डेवलप करेंगे वो सिर्फ इसी जॉब में नहीं या इसी तैयारी में नहीं आगे भी लाइफ में बहुत काम आने वाला है क्योंकि आपको तारीफ और शिकायतें दोनों बराबर मात्रा में मिलने वाली है तो कहीं ना कहीं एक आप के करेक्टर में जो एक चीज़ आएगी कि आप तारीफ़ और शिकायत दोनों को एक लगभग बराबर फीलिंग के साथ हैंडल कर सकते हैं मे बी अगर बुरा लग भी रहा है तो अगर आप उसको मतलब अच्छे से हैंडल कर सकते हैं बिना दूसरों को दिखाए हुए तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी ये आपको पूरी ज़िंदगी आपको काम आएगी ना सिर्फ इस तैयारी में नहीं तो एक एक बहुत बड़ा क्वालिटी है जो आप टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं अचानक से नहीं होगा थोड़ा टाइम लगेगा बट ये हो सकता है और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने लीव्स को पेड लीव्स हैं आपके कैजुअल लीव्स सिक लीव्स या प्रीवियस लीव्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करें क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी फिल्मस के पहले मेंस के पहले तो आप बाकी सोशल ऑब्लिगेशंस घर विजिट करना शादियों में जाना या जो भी ऐसी आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको कट करें और अपनी लीव्स को प्रॉपरली प्लान करें और सो so दैट आपको क्रूसियल टाइम पे पंद्रह दिन फिल्म से पहले या एक महीना मेंस के पहले पेड लीव आप ले सके सो so दैट आप उस टाइम जो सबसे एंड मोमेंट्स जिस टाइम आपको रिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम आपको लीव मिले और इसके लिए बाकी पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे जैसे कलीग्स के साथ या सुपीरियर्स के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा तो वो चीज़ें मिलने में आसानी होगी जो कि कहीं ना कहीं जो मेरे केस में था कि मुझे कभी लीव की दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जब भी जो मेरे, मेरे पेड लीव्स थे आई गॉट देम ऑन टाइम और बिना मेरे कलीग्स और सुप्रियर्स बिना यह जाने हुए कि मैं क्या कर रहा हूं क्यों कर रहा हूँ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई वर्क प्लेस जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड माई सीनियर्स जूनियर्स एंड कलीग्स मैं आपसे माइन्यू डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ये ब्रॉड पॉइंटर्स हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल पे लागू होंगी इन सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करने के बाद मैं थोड़ा बहुत आपको ये बताऊंगा कि मैंने कैसे इन चीज़ों को फॉलो किया जैसे सबसे पहली बात 2010 में जॉब ज्वाइन करने के बाद 2013 में जब मेरी शादी हो गई उसके बाद 2013 से 2019 तक छः साल मैंने घर जाने के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली छः साल मैं अपने घर नहीं गया किसी शादी किसी भी जो मतलब फैमिली फंक्शन या बहुत सारे मतलब सिचुएशन जहाँ मुझे वाकई होना चाहिए था उनको भी मैंने अटेंड नहीं किया ये सोच के कि अभी तो ठीक है थोड़ा मुश्किल डिसीजन था बट अगर एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है देन एवरीथिंग विल मेक सेंस और शायद लोगों के भी जो शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी इस उम्मीद के साथ मैं छः साल 2013 से लेकर 2019 तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली घर जाने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए और इस सारी जो पेड लीव्स थे उसको मैंने मतलब बचा के रखा था अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग लेने के लिए और वही मैंने किया दूसरा होता है पढ़ाई की बात जनरली मेरे से पूछा जाता है कि आपका रूटीन क्या था ट्रस्ट भी मेरा कोई रूटीन नहीं था मेरा बस एक ब्रॉड टारगेट्स होता था कि हाँ ये जो टेस्ट हैं मॉक टेस्ट हैं वो मुझे टाइम पे देना है इतना सिलेबस या इतना टॉपिक मुझे इस हफ्ते में या इस महीने में कंप्लीट करना है तो वो करने के लिए मैं जहाँ मौका मुझे मिलता था अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो रास्ते में बस से जा रहे हैं तो बस में बैठ के या फिर लंच आवर में या फिर कहीं भी घूमने तो कहीं भी फ़ोन लेके मतलब मैं अपना न्यूज़पेपर मॉक टेस्ट एनसीईआरटी सारी मैंने फ़ोन में ही मैंने पढ़ाई की है तो वो जहाँ मौका मिले जब मिले वो पढ़ना वैसे समय चुराना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी बात थी कि मेरे पास क्लासरूम कोचिंग का ऑप्शन नहीं था तो मैंने अपने ऑप्शनल के लिए जो कोचिंग थी वो मैंने ऑनलाइन मोड में ली वो उसके उसका फ़ायदा ये था कि मैं अपने सुविधा के हिसाब से अपने सहूलियत के हिसाब से वो सारे वीडियोस जब चाहूँ तब देख सकता था और सारे मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिए इनफैक्ट मेन्स का जो टेस्ट सीरीज था वो भी मैंने ऑनलाइन में ही दिया आंसर्स लिख के उनको अपलोड करना और उनसे फीडबैक लेना ये मतलब आज के डेट में जो ऑनलाइन मोड है ये आपके लिए एक एक तरह से बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिससे आप कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं मतलब कई बार ऐसा होता था कि रात के बीच में प्लांट से फ़ोन आ गया या फिर कई बार है कि आपको आपका कोई कलीग या आपसे एबसेंट है तो उसकी जगह आपको शिफ्ट करना आपको वीकली ऑफ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इरीटेट नहीं हो और आप कोशिश करिए कि आप उसके अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल एडजस्ट कर लें अगर आपके कलीग को आपकी ज़रूरत है उसके जगह आप ड्यूटी करने जा रहे हैं तो आप मना ना करें कहीं ना कहीं आप अगर लोगों की हेल्प करेंगे तो वो हेल्प आपको रिटर्न मिलने वाला है जैसे मेरे साथ होता था अगर सिर्फ मेरी शिफ्ट में अगर दूसरे की शिफ्ट में कोई दूसरा इम्प्लाई नहीं आया उसकी जगह मुझे मेरे वीकली ऑफ के दिन जाना पड़ा तो मैं उस चीज़ को लेकर ज्यादा मैंने कभी करीब नहीं किया और मैंने कभी मतलब उसको लेकर कोई कंप्लेन नहीं किया कि हाँ मुझे क्यों जाना पड़ा मैंने अनकंडीशनली उस चीज़ों को जो भी इंस्ट्रक्शंस मुझे मिलते थे तो उनको फॉलो किया सो दैट वो मुझे बाद में देट दिस थिंग्स पेड मी रिच डिविडेंड कि जब मुझे जरूरत पड़ी मेन के एग्जाम के टाइम या फिल्म के टाइम तो मुझे भी आराम से छुट्टी मिल गई बिंग अ वर्किंग प्रोफेशनल मेरे लिए भी आसान नहीं था मैंने फिफ्थ अटैम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया पहले दो अटैम्प्ट 2014 और 2015 में मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया 2016 uh, और 2017 में मैं मेन एग्ज़ाम में फेल हो गया 2018 में मैं फाइनली तीनों स्टेज क्लियर कर पाया आई गॉट द रैंक सो इन फेलियोर्स के बावजूद ही मैं कहीं ना कहीं इसलिए कंटिन्यू कर पाया क्योंकि जनरली लोगों को प्लान बी सोचना पड़ता है कि अगर सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं हुआ तो क्या करूँगा तो मेरा ऑलरेडी आई वॉज इन प्लान बी मुझे प्लान बी सोचना नहीं था मैं ऑलरेडी प्लान बी में तो था ही मतलब एक लाइन में कहें तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था तो कहीं ना कहीं ये चीज थी जो जिसने मुझे पुश किया कि अगर मेरे पास अगर मैं क्लियर कर लेता हूं तो आई विल गेट एवरीथिंग जो जो मेरा लॉन्ग चेरिस ड्रीम आई विल गेट दैट अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो जो मैं कर रहा हूं तो कर ही रहा हूं एंड कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी है और पूरा सिलेबस है कहीं ना कहीं अगर आप पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो आपको डाउन द लाइन टाइम के साथ ये रियलाइज होगा कि यू बिकम बेटर वर्जन ऑफ यूर आप एक जहाँ आप जो काम कर रहे हो उसमें और बेहतर जरूर कर सकते हैं यू गेट यूनिक इंसाइट्स इनटू मतलब जो सोसाइटी के कई सारे पहलू उनका एक अलग समझ आपको होती है और उन सब चीज़ों को आप अपने काम के जगह में लागू कर सकते हैं और ये कहीं कही ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा करेगा तो देखिए एक बात है कि इस एग्ज़ाम में कम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है लाखों लोग तैयारी करते हैं अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो माई बेस्ट विशेष कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें इनकेस अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और अगर आप अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार रहें तो ट्रस्ट मी ये सारा नॉलेज आपको बहुत काम आने वाला है अगर आप ऑप्टिमिस्ट रहेंगे अगर आप अपने इस अनुभव को लेके मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखें कि हाँ जो कुछ भी हुआ मैंने गेन ही किया है आपका खोने के लिए कुछ नहीं है आपने खोया कुछ नहीं जो है पाया ही है सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप कितना भी पढ़ने के बाद आपको कभी ये हमेशा ये लगेगा कि आपका सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हुआ है आपको अभी और पढ़ना है और पढ़ना है और मेरे कहीं ना कहीं दो और सत्रह में जो मेन्स में फेल हुआ उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं पढ़ रहा था पढ़ रहा था बट मुझे कभी ये लगा नहीं कि हाँ अब मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए मुझे लगा अभी और पढ़ना है और पढ़ना है वो कभी वो फीलिंग ही नहीं आती कि हाँ अब आप पूरी तरह तैयार है मैं सोचता था कि जब मैं पूरा मतलब कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा अपने सिलेबस को लेकर हाँ मैंने सिलेबस कवर कर लिया देन आई विल स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बट ट्रस्ट ट्रस्टमी वो दिन कभी आया ही नहीं जब 2016 और 2017 में जब मेंस में मैं फेल हो गया उसके बाद मुझे समझ आया कि अब और ऐसे नहीं चलेगा तो फिर 2017 के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मेंस के लिए और टेस्ट सीरीज का प्रेशर होने की वजह से मैंने आंसर्स आई स्टार्ट राइटिंग आंसर्स और उसका बहुत फायदा हुआ जिसकी वजह से मैं 2018 में अठारह मेंस के सारे पेपर्स टाइम पे कंप्लीट कर पाया तो ये अगर खासकर वर्किंग प्रोफेशनल जो क्लासरूम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और जिनका एक फिक्स टाइम लाइन नहीं है उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दे डोंट गेट दैट फीलिंग कि हाँ मैंने अब कंप्लीट कर लिया ना आई शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि बहुत क्रूसियल है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा सो दैट आप पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाएं और यू कैन क्लियर द मींस तो ये आप भरोसा रखिए कि एक बार अगर आप सिलेबस को पूरा पढ़ लेते हैं और एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं मे बी आपको आप नॉट फीलिंग सेटिसफाइड इवन देन आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दीजिए आप इसको डिले करके आप अपना सक्सेस को डिले कर रहे हैं और फेल्योर को कंसिस्टेंट कर रहे हैं ट्रस्ट में ऐसा ये नहीं होने वाला आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा तो मेरे दो फेल्योर मेन्स में का यही रीजन था कि मैंने आंसर एक भी आंसर में सीधा मेन एग्जाम में जाके मैंने आंसर्स लिखे जो कि इसकी वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज हुए और आई फेल्ड तो डोंट डिले योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेन एज वेल एज फॉर आल्सो। आप इन्हें एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और एक बार रिवीजन कर लिया देन इमीडिएटली स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट फॉर फिल्म क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपका वीकनेसेस क्या है और जनरली ऐसा होता है कि आपको अपनी गलतियां ज़्यादा याद रहती हैं जो टेस्ट में आप गलती करेंगे उसको आप तुरंत समझने का आपको मौका मिलेगा और वो आपको ज़्यादा वक्त तक याद रहेगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी और आपको कहीं ना कहीं आपको पता चलता रहेगा कि आप कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर आप अच्छा स्कोर आ रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है आप इंप्रूव कर रहे हैं जैसा मेरे साथ हुआ दो में मैंने जब पिलिम्स का टेस्ट सीरीज दिया था उसमें मेरे स्कोर सत्रह में दिया फिर अट्ठारह में दिया तो आई वॉज कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग सिमिलरली फॉर मीन्स मीन्स दो हज़ार सोलह में मेरा आई गॉट फाइव ट्वेंटी एट मार्क्स आउट ऑफ सेवनटीन फिफ्टी इन टू थाउजेंड सेवेंटीन आई गॉट सेवन एटी थ्री आउट ऑफ सेवनटीन फिफ्टी ये दोनों फेलियर थे बट मैं दोनों बार फेल हुआ बट मैं बेहतर फेल हुआ तो ये कहीं ना कहीं आपको भरोसा दिलाता है कि चलो ठीक है आप फेल तो हो रहे हैं बट कहीं ना कहीं आप इंप्रूव कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं बस बस शायद एक और फाइनल पुश की जरूरत है जो फीलिंग मुझे 2017 में फेल होने के बाद आई जब मैंने मार्क्स देखा तो मतलब तो कट ऑफ के काफ़ी करीब तक पहुँच गया था तो मुझे लगा कि आप बस एक बार और पूरे ताकत से जोर लगाने की ज़रूरत है जो मैंने लगाया दो में एंड आई क्लियर तो वो एक जो पुश होता है आप फेल होना गलत नहीं है बट बेटर फेल होना यू शुड फेल बेटर और वो आपको पुश करेगा क्योंकि आपके पास हमेशा एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होगा कि ये चीज़ें आपने गलती की और ये खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई से कभी संतुष्ट नहीं होते उनको लगता है कि वो पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाए हैं तो उनको पता करना आसान है कि आप क्यों फेल हुए आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं मैंने तो अपना बेस्ट दिया था फिर भी मैं फेल हो गया अब मैं क्या करूं ये अब मैं क्या करूं ये वाला सिचुएशन जनरली आपके साथ नहीं आएगा आपके पास हमेशा एक लंबी लिस्ट होगी थिंग्स टू डू कि हाँ ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैंने नहीं की थी मुझे करनी है और ये मैं करूँगा तो यू विल भी सक्सेसफुल तो ये सब चीज़ें हैं जो बींग ए वर्किंग प्रोफेशनल आपका यूनिक अपॉर्चुनिटी है और दूसरा होता है कि फेल्यूर का जो प्रेशर होता है एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट तीन अटैम्प्ट फेल होने के बाद अगर आप फुल टाइम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और तब आप फेल कर होते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है आप उस प्रेशर को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है कि तीन बार आप फेल हो जाएं सब कुछ फुल टाइम प्रिपरेशन करने के बावजूद तो फ, फ, फैमिली का प्रेशर सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है इट बिकम्स टू मच टू बियर तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके पास फेल्योर का मातम मनाने का समय नहीं है आपको पता है कि आपके पास समय नहीं है कि आप ये बैठ के दुखी होते रहे मैं फेल हो गया फेल हो गया नहीं आपको इम्प्रूव करना है और आप फोकस करेंगे थिंग्स टू डू वाली लिस्ट पर और ये कहीं ना कहीं आपको पुश करते रहेगा कहीं ना कहीं इंप्रूव करते करते एक जर्नी है आपको ही पता है कि कोई ऐसा दिन नहीं आएगा एग्जाम क्लियर करने के बाद भी जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि नो आई डिड एवरीथिंग राइट और मैंने पूरा सब कुछ कंप्लीटली बहुत अच्छे से कर लिया ऐसा नहीं होगा ये एक जर्नी है बस आपको पहले से बेहतर होना है एक और चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि फेल, फेल होने के बाद या तैयारी के दौरान आपको बहुत बार ये फीलिंग आए कि आएगी कि आप जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं जो क्लासरूम कोचिंग कर रहे हैं उनसे आप पीछे रह जाएंगे ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है ये फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आती थी मैं अपने आप को बहुत कोसता था कि मैं मेरा मतलब इन सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं फुल टाइम तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से मैं पीछे रह जा रहा हूँ ये चीज़ ये दौर मेरा दो से लेकर दो तक चला दो में जब मैं प्रलिम्स में फेल हुआ देन आई बिकम वेरी क्लियर कि अगर मुझे अब तैयारी करनी है तो जॉब के साथ ही करनी है और मेरा क्लियर होना है तो जॉब के साथ ही होगा तो ये माइंडसेट जब मेरा शिफ्ट हुआ ना कि जब मैं अपने आप अपने आप को कोसने और बाकी लोगों से कंपैरिजन करने की जगह खुद को इम्प्रूव करने पर जब मैंने फोकस किया देन थिंग्स गॉट बेटर एंड मतलब मेरा जो प्रिपरेशन था बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड मोर फोकस्ड एंड वो जो होता है ना एक निगेटिविटी कि मैं दूसरों से जो तुलना करने की बात होती है वो ना करके खुद को इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया ये बहुत ज़रूरी है सो so, इसी के साथ ये बात है कि आप बिल्कुल अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते हुए एक जॉब वर्किंग प्रोफेशनल होने को एक अपॉर्चुनिटी मान के जो आपको एक डेफिनेटली एक एज देने वाला है मेन्स में और इंटरव्यू में भी ऐसा सोच के एक पॉजिटिव माइंड रख के आप तैयारी शुरू करिए इसके साथ आई विल कम्प्लीट एंड